नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज के क्लासेस में। दोस्तों, एक जो बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है जो आप अभी अपने चैनल्स पे न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे कि दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में एक तबलीगी जमात के जो कुछ प्रोग्राम होता है इनका, उसमें कुछ सस्पेक्ट्स मिले हैं, काफ़ी लोग पॉजिटिव आए हैं। आज उस मैटर की मैं इस वीडियो के जरिए पूरी बात करना चाहूँगा, कहाँ पर चूक हुई, मेरे क्या व्यूज़ हैं इस पर, और क्यों इस चीज़ को आज बताना ज़रूरी है आप सभी को, हमारे स्टूडेंट्स को और सारे देशवासियों को। दोस्तों, मैटर कुछ इस तरह से है कि ये तबलीगी जमात जो होती है, ये एक आप समझ सकते हो कि इस्लामिक फंक्शन की तरह है। 1926 में भारत में इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद से ही जो नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया से जो इस्लाम धर्म फॉलो करते हैं, वो एक मीटिंग करते हैं, कम्युनिटी मीटिंग होती है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद ये उसी देश के अलग अलग कोने में जाकर या फिर अलग अलग जगहों पर जाकर इस्लाम का प्रचार करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये जो कर रहे हो, आपकी जो भी फंक्शन है, आपका जो भी रिलीजियस है, पर एक जो होता है ना कि जब कोई पूरे देश पर आपदा आन पड़ी है या फिर कोई एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है, तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं जिन्हें हम सभी को फॉलो करना चाहिए, हम सभी को चीज़ें देखनी चाहिए और जो है एक अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश के लिए जो है कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने होते हैं। मैटर कुछ इस तरह से हुआ था कि 13 से 15 मार्च के बीच कुछ 3400 3400 के बीच में जो है ये जो निजामुद्दीन के एरिया में तबलीगी जमात के लिए लोग इकट्ठा हुए उस जगह पर, और उसके बाद 15 मार्च के बाद वैसे तो वापस जाना होता है, अलग अलग मुल्कों से जो लोग आए हुए थे उन्हें वापस जाना था, पर ये नहीं गए। और 20 मार्च को कुछ इस तरह से हुआ कि जो बाकी लोग थे उनमें से 1500 लोग रिटर्न हो गए। अब ये तब तक बात क्लियर नहीं थी, नहीं पता चला कि इसमें कुछ इस तरह की घटना है, कुछ इस तरह का भी एक चूक हो चुकी है। ये बात खुलती है जब 26 मार्च को श्रीनगर में एक प्रीचर जो है उसी तबलीगी जमात से आया हुआ था और उसकी श्रीनगर में डेथ हो जाती है कोरोना से। तो पूरी ये पड़ताल होती है, पूरी जांच बैठती है कि ये किस तरह से हुआ। तब तक भी पूरा एक मैटर सामने नहीं आ रहा था, अभी मैटर पूरा एक खुल के बाहर आ रहा है। आज के दिन की बात करूं मैं तो जो है तेलंगाना में कुछ 6 लोगों की डेथ हो गई कोरोना से और पता चल रहा है कि वो तबलीगी जमात में होके आए थे। सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि जब हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर स्टेट के जो सीएम हैं, इतने सारे गवर्नमेंट पुलिस वाले हैं और ये मेडिकल है, देश में इतना सारी इंफॉर्मेशन हम स्प्रेड कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी लोगों को ये चीज़ समझ क्यों नहीं आती है कि ये आपके ही भलाई के लिए है, आपके ही अच्छे के लिए है, आपके देश की भलाई के लिए है। तो जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो गई थी, दिल्ली में आपको 13 मार्च को नोटिस दिया था कि 200 से ज़्यादा लोग आप एक जगह इकट्ठे ना हो, 16 तारीख को 50 से ज़्यादा इकट्ठे होने पर पाबंदी थी, फिर भी 20 मार्च को भी वहाँ 1000 से ज़्यादा की लोग भीड़ आप उसमें आपने रखी है और इस तरह से कंजस्टेड हैं कि एक रूम में 8-8 लोग भरे हुए हैं। ये तो कैसे एडमिसिबल है, ये तो कैसे चलाया जा सकता है? आप इसमें बिल्कुल ही कानून को या तो फॉलो नहीं करते हो, या तो आपका अपना ही एक नियम चल रहा है, आपकी एक अलग ही दुनिया चल रही है। ठीक है, जब 21 मार्च को, 22 मार्च को, 23 मार्च को जब हालात बिगड़ने लगे, तो प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उसके बाद जब आपको नोटिस जाता है
जो ACP हैं उनकी तरफ से आपको नोटिस जा रहा है कि आप ये जो आपके जमात वाले हैं उन्हें खाली कराइए, वैकेंट इवेक्यूएट कीजिए, उसके बाद भी आप उसे सीरियसली नहीं ले रहे हो और फिर भी आप उन्हें रोक के रखा है। फिर जबरदस्ती जब ये चीज़ सीरियस होती है, जब मामले सामने आते हैं, तब आपको और टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, क्वारंटीन करते हैं आपको, जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं आपके लोग। सो ये सब क्या है, मतलब कि या तो आप ऐसा सोच के चल रहे हो कि आपको मतलब या तो इस देश से आपकी कोई दुश्मनी है, या तो आप कोई दुश्मनी निकाल रहे हो, या फिर आप एक अलग ही दुनिया में जी रहे हो। हम सब अलग दुनिया में जी रहे हैं और आप अकेले अलग दुनिया में जी रहे हो। आपका एक अलग ही दुनिया है, अलग ही वर्ल्ड है, अलग ही सोच है। आप हमारे जैसे नहीं हो, इस देश के नहीं हो शायद। बिकॉज जब हम सभी, मैं जितने भी लोग हैं, सब इस कोरोना के लिए लड़ रहे हैं और इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, देश में किसी भी तरह से हो सके तो ये ना फैले, क्योंकि आज हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि अगर ये फैल जाता है तो इसे रोकना शायद हमारे बस की बात नहीं होगी। हमारी मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी अभी नहीं है, तो हालात बिगड़ सकते हैं। तब आप इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हो। मतलब हम सब पागल हैं जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम अपने घर में हैं, अपना काम छोड़ रहे हैं, कि हमारा मन नहीं करता है कि हम भी जाएं और इस तरह की एक सोशल मीटिंग करें या फिर रिलीजियस मीटिंग करें, कि हमारा मन नहीं कर रहा है। सो जब हम इतने प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम सभी भारतवासी, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले तो ये सवाल है मेरा उन लोगों से जिन्होंने ये गुनाह किया, इसे क्राइम मैं कहूँगा। और ये एक देशद्रोह है, ये एक देशद्रोह है, क्योंकि ये देश को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि है जो यहाँ पर जो काम किया गया है इनके द्वारा। ये बिल्कुल भी माफ करने लायक जो है एक्टिविटी नहीं है। इससे देश को आने वाले समय में पता नहीं कितना बड़ा लॉस होगा, लेकिन जो भी किया है अच्छा नहीं है। और मैं मानता हूं कि जितने भी देशवासी हैं वो मुझसे मेरे समर्थन में होंगे, मेरी बात को समझ रहे होंगे। जो ये जो ऐसा ऐसा करने की पीछे की जो वजह है वो समझने की जरूरत है। कि आप मतलब कि पूरा, यानी आप या तो ऐसा मान लो कि आपको कुछ फॉलो करना ही नहीं है, या तो आप ऐसा मान के चलो कि मतलब कि आप ये सब कुछ जान रहे हो, हम तो सब पागल हैं और हम बस ये जो है एक मजाक चल रहा है देश में। मतलब कि ये ही हो गया कि मजाक चल रहा है, कोरोना तो मजाक है, बस हल्के में ले लो इसे। सो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त के लायक बात नहीं थी। और जो है, और बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो भी हुआ वो ठीक नहीं था, किसी भी एंगल से ठीक नहीं था, और इसकी पूरी एक जांच होनी चाहिए। और उम्मीद रखता हूँ कि हमारा जो प्रशासन है वो भी जो इस तरह की चीज़ें हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पर टू वे मिस्टेक हुई है कि सिर्फ ये लोग ऐसी जो है एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इस पर किसी जो है हमारी जो प्रबंधन था हमारा, जो हमने अरेंजमेंट किए थे, उनका ध्यान क्यों नहीं इस पर गया? इस तरह की एक्टिविटीज कैसे हो गई, कैसे ये चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी? सो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में हमें ध्यान देना होगा। हमारा देश बहुत बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है, तो यहाँ पर इस तरह की लापरवाही अगर होती रही तो कोरोना के लिए हम इजी टारगेट हो जाएंगे। आने वाले समय में हमारे हालात हमारा ऊपर वाला ही मालिक होगा। सो दोस्तों, आई होप कि आप सभी ऐसी भूले ना करें। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे से रहें, अपने घर में रहें, सेफ रहें, अपने फैमिली को टाइम दें, अपने आप को समय दें। और जो कोरोना के से बचने की इंफॉर्मेशन है उसे आप स्प्रेड कीजिए, दूसरों को बचाइए, खुद सेफ रहिए। बस इसी के साथ चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी किसी इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।